एमआईएम नेता शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद का दौरा किया है और दौरा करने के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर तो कई सारी अवैध इमारतें मौजूद हैं, लेकिन फोकस जो है वो सिर्फ मस्जिद पर किया जा रहा है। और देखिए, सबके बीच में खुद संजौली के मुस्लिम समुदाय मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए राजी है, लेकिन शोएब जमाई भड़काऊ बयान देकर आखिर क्यों बुझती हुई आग को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संजौली मस्जिद को लेकर विवाद थोड़ा थमता नजर आ रहा था, लेकिन अब दोबारा इस विवाद को हवा मिल सकती है और इस बार आग लगाई है AIMIM ने। दरअसल AIMIM की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद का दौरा किया। दौरे के बाद डॉक्टर शोएब जमाई ने एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में डॉक्टर शोएब जमाई दिखाते हैं कि मस्जिद के आसपास भी ऊंचाई वाले घर बने हैं, लेकिन केवल मस्जिद को ही निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, आप देखिए जितनी हाइट पे ये मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। क्या आप देख सकते हैं? उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग, वो आप झंडा लगा हुआ देख रहे, आप बताइए उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा, तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे, इंशाल्लाह हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? तो वहीं डॉक्टर शोएब जमाई के भड़काऊ बयान को लेकर BJP ने निशाना साधा है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिद का विषय हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आज के समय में विवादित बयान देकर भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, उस विषय में भी सरकार को गंभीरता से नोटिस लेने की जरूरत है। किसी भी मामले में देरी करना और सामान्य समाज के साथ अन्याय करने के बराबर है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का मॉडल भाया है। उन्होंने योगी की तस्वीर के साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। विक्रमादित्य सिंह ने भी फास्ट फूड, रेहड़ी और ढाबों के बार ओनर की ID और नाम लगाने की वकालत की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और ID लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना ID, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे ID दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। शोएब जमाई ने इस मामले को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सवाल उठता है कि न केवल संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष, बल्कि संजौली के मुस्लिम समाज भी खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने को तैयार हैं, और इसके लिए उन्होंने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है। तो फिर AIMIM नेता क्यों मामले को तूल देने की कोशिश में जुटे हुए हैं?